श्रवण करेंगे आज के इस भजन को। हरि हर हरि हर हरि हर। हरि हर जप ले री हरि हर हरि हर जप ले री
हरी हरी जप ले
पुकार है संतों की, ये पुकार है ऋषियों की, ये पुकार है महात्माओं की, पर बहरा आदमी सुनने को तैयार नहीं है। संत बार बार पुकार के कहते हैं कि देखो प्यारे, यहां टेम्परेरी ठिकाना है तुम्हारा, ये पक्का तो है नहीं। लेकिन इस बात को मनुष्य समझता नहीं, सुनता है समझता नहीं। पीपल हियर इट बट दे डोंट लिसन, दैट देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। कान के पर्दे से आवाज का टकरा जाना सुनना हुआ, लेकिन कान के पर्दे पर जो आवाज आई उसकी समझ तुम्हारे मस्तिष्क में चली गई, ये श्रवण हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि इस समय पर आप मुझे सुन रहे हो कि आप मुझे श्रवण कर रहे हो? बड़ा फर्क है इसमें। सुनना मतलब बहुत सी ध्वनियां हमारे कान में आती हैं, उसमें एक आवाज मेरी भी आ रही है। जिस सुनने के बाद वह बात तुम्हारे निश्चय में नहीं आए, मैंने यू डोंट लिव विद दैट व्हाट यू हैव हर्ड, जो तुमने सुना उसको तुम अपने जीवन में ले आए, तो यह हुआ श्रवण। और अगर सिर्फ सुना और सुन के भुला दिया, जो गैर जरूरी चीज़ें होती हैं वो हम कहाँ याद रखते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, अभी जब आप अपने ऑफिस से, दुकान से या घर से यहाँ पंडाल तक आए, तो रास्ते में कितने मनुष्यों को, औरत, मर्द, बच्चे आपने चलते हुए देखे? क्या आप जानते हैं उन सबको कि वो कौन थे, उनके क्या नाम थे, उनके क्या दुख सुख थे, उनकी क्या उपलब्धियाँ थीं? डेफिनेटली नॉट। व्हाई? दे डोंट मैटर टू यू। लेकिन यहाँ आते आते में अगर रास्ते में कोई पहचान वाला, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई कॉलीग दिख गया हो, मिल गया, वो याद रहेगा, वो याद रहेगा। क्यों? उसके साथ कुछ वास्ता है, उसके साथ कुछ संबंध है, उसके साथ कुछ समय तुमने बिताया है, उसको नहीं भूलोगे। मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है, मित्रों को तो फिर भूल जाता है, शत्रुओं को कभी नहीं भूलता। और वो शत्रु अगर कहीं दूर भी दिख जाए तो खून खौल जाते हैं, पुरानी यादें आती हैं, बदला लेने की भावना आती है, पुराने जख्म हरे हो जाते। हमारा मन ऐसा खराब ट्रेंड हो चुका है कि हम अपने दुखों को ज्यादा अच्छे से समेटते हैं और हम अपने सुखों को जल्दी भूल जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जिंदगी के बहुत सुख वाले अनुभव कितने रहे, डायरी में लिखिए, गिनती लिखिए उसकी, आएंगे याद बहुत थोड़े। फिर मैं आपसे कहूं एक लिस्ट बनाइए, आपका मन कब कब दुखी हुआ था, इसकी लिस्ट बनाइए, किस किस से दुखी हुए, किस किस से परेशान हुए, जरा उसकी लिस्ट लिखिए। वो तो ऐसी है लिखते लिखते कॉपी पूरी भर जाएगी, दूसरी सप्लीमेंट कॉपी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, कोई लोग याद हैं जिन्होंने बड़ा सताया था, तो वो लिस्ट बड़ी लंबी हो जाती। कुछ मन अज्ञानता में है, कुछ मन की ट्रेनिंग ऐसी है, क्योंकि जैसे छोटे छोटे बच्चे देखिए,
दादा दादी माँ पिता, घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो ताऊ ताई चाचा चाची, वो जो कुछ बोलते हैं वो बच्चा सुनता है। अब बड़े लोग बैठे हैं तो वो बात कर रहे हैं अपने दुश्मनों की, उसने ये किया था छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, उसने मुझे ये कहा नुकसान दिया मैं भी नुकसान पहुंचाऊंगा। अब ये छोटा सा बच्चा क्या सीख रहा है कि दुख की बात भुलानी नहीं चाहिए, शत्रु को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, भले अपना सगा भाई ही क्यों ना हो। क्योंकि छोटा सा बच्चा ये देख रहा है कि उसके पिताजी ने उसके चाचा पर केस किया है या चाचा ने ताऊ पर केस किया है, दोनों भाई अदालत कचहरी में वकीलों को अमीर कर रहे हैं और खुद का नुकसान कर रहे हैं, पर अपनी खुन्नस मिटानी है, अपना द्वेष पूरा करना है। उस द्वेष को पूरा करने का जो तरीका, जो पॉलिसी, जो स्ट्रैटेजी, जो स्कीमें बना रहे होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं सीख रहे हैं, यहीं से सब कुछ सीख जाते हैं। और फिर एक दिन जब ये बड़े होते हैं शरीर से, तो इनके दिमाग की वाइंडिंग, दिमाग के मशीन की वाइंडिंग अब ऐसी हो ही चुकी है जहां वो शत्रुओं को माफ़ नहीं करेंगे, जहां वो दुख की बात को कभी भूलेंगे नहीं। उसने ये देखा है कि पिताजी बचपन की कोई बात करके, हम तो बड़े गरीब होते थे, खाने को नहीं मिलता था, और वो रोने लग गए। अब बच्चे ने क्या सीख लिया, जब दुख की बात याद करो तो रोना भी चाहिए। बच्चा सब सीख रहा है। अफसोस इस बात की है, हमारे अज्ञानता के पुष्टिदायक हमारे अपने परिवार के लोग होते हैं। काश हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दुख की कहानियां कह कह के रोते न होते, बचपन के अभावों को याद कर कर के दुखी न हो रहे होते, बल्कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जब बैठते तो कथा कहानी कहते संतों की, भक्तों की, वीरों की, हाँ सत्संग कर रहे होते। सत की चर्चा करना भी सत्संग है, सत पुरुषों सत स्त्रियों को याद करना भी सत्संग होता है। अभी यहां जब मैं आई तो एक पत्र मुझे मिला यतिंदु दास का, लिखते हैं, कल आपका साक्षात्कार हुआ, अमृत वर्षा में भीगता रहा, अद्भुत आनंदम, मेरे गुरुदेव सद्गुरु अभिलाष दास साहब के साथ आपकी संगति आनंदपूर्ण रही है, क्या मुझको भी आपके साथ उपासन का अवसर मिल पाएगा। और निवेदन यह भी है कि सहज सरल स्वाभाविक जीवन में सत्य का बोध, परम निर्मलता की स्थिति, भगवत्ता की उपलब्धि कैसे होगी, जिससे मैं विचलित हुए बिना अपने स्व में कैसे प्रतिष्ठित हूं। तो मुझे इनके जो गुरु हैं उनका स्मरण आ गया, कोई लगभग 20-22 वर्ष पहले अलाहाबाद में कबीर संस्थान, पारक परंपरा कबीर संस्थान में, वहाँ के एक साधु ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र दास, उनकी हमारी मुलाकात हुई और वो हमारे मित्र हो गए, और बहुत प्यार से उन्होंने फिर कहा हमारे गुरुजी को भी मिलने आइए हमारे आश्रम में। तब मैं उनके आश्रम में उन्हें मिलने को गई, हम लोग सब बैठे, और उन दिनों ऑडियो टेप का ज़माना था, तो सब लोग वहाँ जितने साधु थे वो सब टेप के जरिए से मुझे सुने थे और मेरे से बहुत स्नेह कर रहे थे और बड़ा प्रेम। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो ये भी याद है कि उन्होंने क्या बना के खिलाया था, अब मैं उस लिस्ट में नहीं जाती हूँ। मैं श्वेत वस्त्रों में सब साधु और श्वेत वस्त्रों में उनके गुरु, हम लोग बैठे और खूब चर्चा होती रही। अभी 2 साल मैंने शरीर उनका छूटने से कोई 1 वर्ष पहले वो हमारे पास गन्नौर आश्रम में भी पधारे,
और लगभग 15 दिन वो मेरे पास वहाँ पर रहे, 8-9 दिन रहे वहाँ पर। अब संत मिलेगा, क्या चर्चा करेंगे? पॉलिटिक्स की? जी नहीं। क्या चर्चा करेंगे? ये आश्रम इतना बड़ा कैसे बनाया? जी नहीं, इसकी भी चर्चा नहीं होगी। जब संत संत को मिलेगा तो चर्चा यह होगी कि मन के पर्दे कैसे बंद हैं और कैसे खुलेंगे, और कैसे वैराग्य की कमी के कारण लोग सत्संग सुनते तो हैं लेकिन बदलते नहीं हैं। आप देखो, हर शहर में सत्संग चलते हैं। अगर मैं सत्संग शब्द को सुरक्षित रख लूं और कहूं कथा चलती है, तो मैं उम्मीद करती हूं आप बुरा नहीं मानेंगे। कथाएं चलती है, विष्णु पुराण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, पुराण की कथा, शिव पुराण की कथा, शिव जी के जीवन से संबंधित कथा, विष्णु जी के जीवन से संबंधित कथा, श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कथा। एक छोटी सी मैं टिप्पणी इस पर करना चाहती हूँ, स्मॉल स्टेटमेंट ऑन दिस। जब भागवत की जाती है तो भागवत सुनाने वाले अक्सर भागवत की कहानियों को सुना रहे होते हैं, जो उसमें सार तत्व आध्यात्मिक साधना के विषय में चर्चा है वो बोलते ही नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि ना तो वो खुद उसमें रुचि रखते हैं शायद, ना उनके सुनने वाले रुचि रखते। भागवत कराई जा रही है किसी के द्वारा इसलिए कि इससे पुण्य मिलता है, और सुनाने वाले अपनी दक्षिणा लेकर के बैठ के सुनाते हैं। सुनाने वाले को अर्थ है कितना पैसा मिलेगा उससे, और क्या चढ़ावा होगा रोज का रोज, और चढ़ावा रोज का रोज होता रहे और तुम्हारी जेबें खाली होती रहे, तो कभी रुक्मणी और कृष्ण का विवाह का आयोजन होगा, कभी श्री कृष्ण के जन्म का आयोजन होगा, कभी उनको अन्न प्रक्षालन करना है तो उसके साथ संबंधित उत्सव रखा जाएगा। अच्छा, देखिए सब कुछ ही अच्छा होता है, लेकिन भागवत के सार तत्व को भुला के उसको एक किनारे कर दिया। सूत जी ने क्या कहा योग के विषय में, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहती हूँ, जहाँ कपिल मुनि जी महाराज की चर्चा आती है, देवहूति के पुत्र ऋषि कपिल की, तो ऋषि कपिल जी ने हमें सांख्य दर्शन दिया। सांख्य दर्शन मतलब सांख्य शब्द निकला है संख्या से, संख्या माने काउंट, डिजिट काउंट, गणित। पूरी सृष्टि की क्या संख्या है, किस संख्या से ये बना है, कैसे इसकी रचना हुई, प्रकृति में कौन से भूतों का कौन सा तत्व कितनी परसेंटेज में दूसरे तत्व से मिला, तो इंद्रियां हुई, तो मन हुआ, तो शरीर हुआ, तो जल हुआ, जल कैसे बना इसका विज्ञान क्या है, वायु कैसे बनी इसका विज्ञान क्या है, देह क्या है, मन क्या है, इंद्रिय क्या है, ये सारी चीज़ को इतना टेक्निकली एक्सप्लेन किया ऋषि कपिल ने। लेकिन छठा जहाँ अध्याय आया, जहाँ भागवत में ये प्रसंग आया, तो ये कहानी तो सुनाई जाएगी बड़ी लंबी, कि देवहूति जी का कैसे विवाह हुआ था, फिर देवहूति जी को पुत्र हुआ था, और फिर ऋषि कपिल जी ने अपनी माता को ज्ञान देके उनका उद्धार किया। अरे ज्ञान क्या दिया था वो तो बोलो, वो नहीं बोलेंगे। बात आएगी दशम स्कंद की, तो उद्धव जी और कृष्ण का इतना सुंदर संवाद है। उद्धव जी श्री कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, सिर्फ मित्र ही नहीं हैं, शिष्य हैं वो उनके। जैसे श्री अर्जुन ने प्रश्न किए और कृष्ण ने उत्तर दिए, उस ग्रंथ का नाम भगवद गीता। ऐसे उद्धव ने प्रश्न किए और श्री कृष्ण महाराज ने गुरु बनकर के उत्तर दिए, ये प्रसंग भागवत के दशम स्कंद में आता है। लेकिन ये तो कहा जाएगा कि उद्धव और कृष्ण एक साथ नहाते थे, खेलते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन जो ज्ञान का संवाद हुआ उसकी कोई चर्चा ही नहीं करेगा। सो आध्यात्मिक विषयों को एक किनारे करके मात्र कथा कहानी पर जोर दिया जाए
तो ये मैं समझती हूँ उस शास्त्र के प्रति न्याय नहीं हो रहा है। शास्त्र के प्रति न्याय तब होता है जब हम उसके आध्यात्मिक पक्ष को हम अच्छे से समझें और उसको अपने जीवन में लेकर के आए। ऐसे ही 12वें स्कंद में 9 योगीश्वरों की कथा है, अब उनका संवाद चलता है। ऐसे ही सत्य सनातन जी, ये जो 4 भाई थे ब्रह्मा के मानस पुत्र, ये सत्संग करते हैं। एक प्रश्न का देखिए, बड़ी अद्भुत कथा है ये भी। ये 4 भाई हैं, चारों योगी हैं, चारों सिद्ध हैं और चारों साथ रहते हैं, चारों साधना करते हैं। अब सत्संग की रुचि बन रही है तो क्या करते हैं, चारों में एक वक्ता बन जाता, बाकी 3 भाई शिष्य बन के सामने बैठ जाते, तो एक सुनाता बाकी 3 सुनते। और फिर किसी दिन सनातन जी बैठ गए वक्ता बन के, फिर किसी दिन सत्य जी बैठ गए। अब ये चारों भाई परस्पर गुरु शिष्य हो जाते, क्योंकि एक वक्ता होगा बाकी श्रोता होंगे और उनका सत्संग चलता। अब उनका क्या संवाद चलता था, व्हाट वर दे टॉकिंग, व्हाट वर दे शेयरिंग विद वन अनदर, इसकी चर्चा अगर की ना जाए तो मैं नहीं समझती हूँ कि भागवत की कथा ये चर्चा सुनाए बगैर पूरी होती। कीर्तन का बड़ा महात्म्य, मैंने खुद कल बोला, कीर्तन कराया भी, लेकिन जहाँ भागवत की बात आती है तहाँ मैं समझती हूँ कि उसमें इतना समय ही नहीं बचेगा कि कीर्तन किया जाए, क्योंकि विषय इतना बड़ा है, उस विषय को सुनने के लिए समय की आवश्यकता होगी। जब सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते थे तो ऐसा तो नहीं होता था ना कि 2 घंटा सुबह सुनाएंगे और 2 घंटा शाम को सुनाएंगे। वो तो सुबह जैसे सूर्य उदय होता था तो बैठ जाते थे और सूर्य अस्त तलक, माने अगर 6 बजे सूर्य उदय हुआ और शाम 5-5:30 बजे सूर्य अस्त हुआ, तो इतने घंटे लगातार सत्संग चलता था, नो ब्रेक, नो इंटरवल। कोई खाने नहीं जाता था, कोई ये नहीं कहता था कि मैं प्यास लगी मैं पानी पियाऊँ, ना बोलने वाले जा रहे हैं ना सुनने वाले जा रहे हैं। सुनने वाले 10,000 ऋषि भी बैठे हैं, सुनाने वाले सुखदेव जी भी बैठे हैं। सूर्य उदय में मॉर्निंग आवर्स में सत्संग शुरू होता भागवत का और चलता था सूर्य अस्त के समय तक। क्या कहने वाले तपस्वी और क्या सुनने वाले तपस्वी।